गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ग्लोबल कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, अब अपना सेकंड टॉपिक है अतिव्यापन। अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होता है? ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तथा उन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण भी विपरीत हो, तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं या इस ये अपने एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल, ये दो परमाणुओं के एस ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे, मर्ज होंगे, जुड़ेंगे और मर्ज होके एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो इनमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या सिग्मा बंध बनेगा और इसके फलस्वरूप जो ऑर्बिटल बनेगा वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। दो परमाणु आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक या अणुकक्षक, अणुकक्षक का निर्माण होगा। ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग प्रोसेस या अतिव्यापन प्रक्रिया, ओवरलैपिंग प्रोसेस। इस ओवरलैपिंग की या अतिव्यापन की प्रक्रिया में जो अतिव्याप्त होने वाले अपने जो दो परमाणु, या अतिव्यापन की प्रक्रिया में जो ये अपने परमाणु भाग लेते हैं, ये एक दूसरे से मर्ज होते हैं, इनके दोनों के सिरे आपस में पास पास आते हैं, तो इनमें अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है तथा इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ऑर्बिटल्स के, उनका चक्रण भी विपरीत होता है। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग या अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अपने अतिव्यापन होता है वो मेनली थ्री टाइप का होता है, तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है एसएस अतिव्यापन, मीन्स इसमें दो एस कक्षक या ऑर्बिटल भाग लेते हैं, अर्धपूरित एस कक्षक भाग लेते हैं। सेकंड है अपने एस पी अतिव्यापन, मीन्स इसमें एक अर्धपूरित एस कक्षक और एक अर्धपूरित पी कक्षक भाग लेके अतिव्यापन करते हैं। और थर्ड है अपना पी पी अतिव्यापन या पी पी प्रकार का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, इसमें दो पी कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, ये भी अपने दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है पी पी समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन मीन्स दो पी ऑर्बिटल, अर्धपूरित पी ऑर्बिटल एक अक्ष पे आके या समान अक्ष पे उनके हेड अतिव्यापन करे तो ये समाक्ष अतिव्यापन कहलाता है। और सेकंड अपना पी पी अतिव्यापन का प्रकार पी पी समपार्श्विक अतिव्यापन, यानी कि दो पी ऑर्बिटल है
उनका पार्श्व भाग द्वारा अतिव्यापन हो या पार्श्व भाग आपस में मर्ज हो तो वो क्या कहलाता है? पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन। तो इनको चलो डिटेल में पढ़ते हैं अपन। अपना फर्स्ट था एस एस अतिव्यापन। क्या? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग क्या होता है कि जब दो अर्धपूरित एस कक्षक या ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन्स पास पास आते हैं तो क्या होता है, उनमें अतिव्यापन होता है, वो मर्ज होते हैं, मर्ज होके अतिव्यापन करते हैं, तो इस प्रकार का अतिव्यापन क्या कहलाता है? एस एस अतिव्यापन। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो अर्धपूरित एस कक्षक पास पास आते हैं तो इनमें एस एस अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होता है। एक अर्धपूरित एस ऑर्बिटल दूसरे अर्धपूरित एस ऑर्बिटल के संपर्क में आएगा, दूसरे अर्धपूरित एस कक्षक के संपर्क में आएगा, तो इनके जो सिरे होंगे, अक्ष होंगे, वो अतिव्यापन करेंगे, मर्ज होंगे, और मर्ज होंगे अतिव्यापन के फलस्वरूप इनमें सिग्मा बंध का निर्माण होगा या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बारे में देखें, इस प्रकार का अतिव्यापन एस एस ऑर्बिटल्स के बीच में होता है और इस प्रकार के अतिव्यापन में अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं अपन सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है एस पी अतिव्यापन या एस पी ओवरलैपिंग। मतलब एक अर्धपूरित एस कक्षक तथा एक अर्धपूरित पी कक्षक आपस में पास पास आते हैं और पास पास आकर के अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को क्या कहते हैं? एस पी अतिव्यापन। एक अर्धपूरित या एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में पास पास आते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को एस पी अतिव्यापन कहते हैं।
इसमें लेते हैं कि अपन ने पास एक तो है एस कक्षक या एस ऑर्बिटल, दूसरा ले रहे हैं अपन दूसरे परमाणु का पी ऑर्बिटल। ये आपस में पास पास आते हैं तो इनके एक्स आपस में अतिव्यापन करते हैं, मर्ज होते हैं, और मर्ज होने के फलस्वरूप इनमें सिग्मा बॉन्ड या बंध का निर्माण होता है। तथा एक ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जो सिरा अतिव्यापन करेगा उसका ऑर्बिटल थोड़ा सा मोटा होगा और इसमें इस ऑर्बिटल को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा अणु कक्षक भी कहते हैं। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बंध। और ये हो गया अपने एस पी अतिव्यापन। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस पी अतिव्यापन। मतलब एक एस कक्षक है अर्धपूरित एस कक्षक, दूसरे पी जेड कक्षक मान लो अर्धपूरित पी जेड कक्षक के साथ आपस में मर्ज होते हैं, तो मर्ज होने के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस पी अतिव्यापन। और इसके फलस्वरूप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं सिग्मा अणु कक्षक या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अपना है थर्ड टाइप, पी पी अतिव्यापन। पी पी अतिव्यापन, पी पी अतिव्यापन क्या होता है, जब दो अर्धपूरित पी कक्षक आपस में मर्ज होके या अतिव्यापन करते हैं या मिलते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को क्या कहते हैं, पी पी अतिव्यापन। जब दो अर्धपूरित पी कक्षक आपस में मर्ज होते हैं या जुड़ते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को, इस प्रकार के अतिव्यापन को पी पी अतिव्यापन कहते हैं। पी पी अतिव्यापन कहते हैं। पी पी अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, पी पी अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है पीपी समाक्ष अतिव्यापन और दूसरा है पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन। तो करते हैं, पीपी समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन का अर्थ है कि जब दो पी ऑर्बिटल अर्धपूरित पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ समान अक्ष पर ओवरलैप करें, जैसे कि एक पी कक्षक इधर से आ रहा है, एक पी कक्षक इधर से आ रहे हैं और दोनों यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो ये हो गया अपना समाक्ष ओवरलैपिंग या दोनों के हेड ओवरलैप करते हैं। जैसे
एक हो गया अपना पी जेड कक्षक और ये हो गया अपना दूसरा दूसरे परमाणु का पी जेड कक्षक। दोनों अर्धपूरित हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, दोनों के एक्स क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, दोनों एक दूसरे में मर्ज होंगे और मर्ज होने के फलस्वरूप क्या बनाएंगे, पी पी अतिव्यापन का निर्माण करेंगे या समाक्ष अतिव्यापन का निर्माण करेंगे। और इसके फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होगा और ये अतिव्यापन होगा अपना पी पी समाक्ष अतिव्यापन। इसके फलस्वरूप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी आकृति होगी ट्रॉफी के आकार की, जैसे इस आकार में, एक ट्रॉफी के आकार में। ट्रॉफी शेप या ट्रॉफी के आकार में, और इसमें जो बंध बनेगा वो होगा अपना सिग्मा बॉन्ड। और इस ऑर्बिटल को और क्या नाम दे सकते हैं अपन, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब दो पी कक्षक है, अर्धपूरित पी कक्षक है और वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, मर्ज होते हैं, दोनों के पॉजिटिव सिरे मिलते हैं तो मिलकर के एक पीपी प्रकार का अतिव्यापन करते हैं। उनके दोनों के सर मिलते हैं, हेड मिलते हैं, मतलब दोनों के ये हेड है, एक इसका, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो इनमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरते हैं तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होंगे। अपना दूसरा है इसी में सेकेंड टाइप है अपना पी पी समपार्श्विक अतिव्यापन। क्या पी पी कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है कि जब दो अर्धपूरित पी कक्षक लंबवत दिशा में आकर एक दूसरे के संपर्क में आए या मर्ज हो तो ये क्या कहते हैं, पी पी समपार्श्विक अतिव्यापन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख देखे तो जब दो अर्धपूरित पी कक्षक लंबवत दिशा में आकर पार्श्व रूप से अतिव्यापन करें तो इस प्रकार का अतिव्यापन पी पी समपार्श्विक अतिव्यापन कहलाता है। मतलब दो अर्धपूरित पी कक्षक है, वो दोनों लंबवत दिशा में पार्श्व रूप से आते हैं ऐसे और दोनों एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, समपार्श्विक अतिव्यापन। और अगर वो दोनों अक्ष के रूप में आए तो समाक्ष अतिव्यापन कहलाएगा। तो इसमें देखें
फर्स्ट पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल अर्धपूरित पी कक्षक अतिव्यापन करेंगे, आप पास पास आएंगे, और अतिव्यापन के फलस्वरूप इनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या पाई बंध का निर्माण होगा। और इस क्रिया के फलस्वरूप ये क्रिया क्या कहलाती है, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन प्रक्रिया, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा वो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब ये किस शेप में होंगे, बनाना शेप बोल दो, बनाना शेप में या केला शेप में। और इसको क्या बोलते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई अणु कक्षक। अब बात आती है कि जो अपने दो पी ऑर्बिटल है या पी पी अतिव्यापन है, इन दोनों में से समाक्ष और संपार्श्विक इनमें से कौन सा ज़्यादा स्थायी है, तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा समाक्ष अतिव्यापन। क्यों, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के सिर है, वो एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे हैं, ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, और संपार्श्विक में पार्श्विक भाग केवल अतिव्यापन कर रहे हैं तो जगह क्या घेर रहा है, कम जगह घेर रहा है। तो जो ज़्यादा जगह घेर रहा है वो ज़्यादा अटैच रहेगा, ज़्यादा मर्ज होगा, तो ज़्यादा मर्ज होगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। अब अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है बंद लंबाई या बंद दूरी, न्यू टॉपिक है बंद लंबाई या बंद दूरी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस, बंद लंबाई या बंद दूरी क्या होती है, किसी अणु के दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बंद लंबाई या बंद दूरी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखे तो परिभाषा देखे तो किसी अणु के दो परमाणु के किसी अणु के दो बंधित परमाणु के बंधित परमाणु के मध्य की दूरी या बीच की दूरी दूरी बंद लंबाई कहलाती है। बंद लंबाई कहलाती है। इसको सही से देखें तो ये अपना एक परमाणु हो गया और ये दूसरा परमाणु, ये इनके हो गए नाभिक। अब इन दोनों नाभिकों के जो बीच की दूरी है ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बंद दूरी।
वन दूरी को हम डिनोट करेंगे डी ए बॉन्ड बी। ये अपना ए परमाणु है और ये बी एटम है या बी परमाणु है, तथा जो इनकी जो भाग इनको स्पर्श कर रहा है दोनों के, मतलब बाह्यतम कोष को और इनके मध्य की दूरी, मतलब नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच में की दूरी, वो क्या कहलाती है? परमाणु की त्रिज्या, जिसको हम पहले के लिए मान सकते हैं, पहले एटम है, पहला परमाणु, उसके लिए परमाणु त्रिज्या होगी अपनी आर ए, और अपना दूसरा एटम है बी, इसके नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या होगी? उसकी परमाणु त्रिज्या। और ये परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? आर बी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में देखें तो पॉलिंग ने क्या कहा था? पॉलिंग के अनुसार क्या है, बंधित परमाणु के जो सहसंयोजक त्रिज्याएं होती है उनका योग क्या कहलाता है? बंध दूरी या बंध लंबाई कहलाती है। पॉलिंग के अनुसार बंधित परमाणु की सहसंयोजक बंधित परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग बंध लंबाई कहलाता है। पॉलिंग ने क्या कहा, ये जो दो परमाणु है अपने, इनकी जो दोनों की जो त्रिज्या है सहसंयोजक त्रिज्या, मतलब नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या होगी? इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। इन दोनों की सहसंयोजक त्रिज्याओं का जो योग होगा वही इनकी बंध लंबाई होगी। बंध लंबाई क्या होती है? दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी तो बंध लंबाई होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो बंध लंबाई है डी ए बॉन्ड बी इज इक्वल टू फर्स्ट परमाणु की त्रिज्या आर ए प्लस सेकेंड एटम की त्रिज्या आर बी, इनका योग। ये क्या होगी? अपनी बंध लंबाई। यहाँ पे क्या है? वेयर डी ए बी ए बॉन्ड बी, ये क्या है? ए बी परमाणु की बंध लंबाई। और अपने यहाँ पे दूसरी टर्म यूज हुई है आर ए, ये क्या है? परमाणु ए की सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। और आर बी क्या है? यहाँ पे परमाणु बी की सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम देखें एक एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर देखें तो कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है वह कितनी होती है? 0.77 एंगस्ट्रॉम। और जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मापन हम किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -8 सेंटीमीटर।
या इसको मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10^-10 मीटर। दूसरे रूप में देखें तो यह कहीं कहीं आ जाती है पिकोमीटर में दी हुई, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर के बराबर होता है, इसे याद रख लेना। सी परमाणु की या कार्बन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या अभी बताई थी कितनी होती है, 0.77 एंगस्ट्रॉम। और क्लोरीन परमाणु की, क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या, क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो होती है अपने 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अगर दो कार्बन परमाणु है तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की लंबाई कितनी होगी। अब देखो दो कार्बन है, एक कार्बन परमाणु ये हो गया और एक कार्बन परमाणु ये हो गया। अब इनके मध्य की दूरी, ये इनका क्या हो गया नाभिक, इनकी क्या आदि हुई है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है इनकी आदि, और सहसंयोजक त्रिज्या का मान है अपने पास 0.77 एंगस्ट्रॉम। यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, दोनों के लिए सहसंयोजक त्रिज्याओं का मान समान होगा। तो अपन देखते हैं इनके लिए ज्ञात करें तो बंद लंबाई, ठीक है, कार्बन और कार्बन के मध्य बंद लंबाई सी बॉन्ड सी, ठीक है, सी बॉन्ड सी के मध्य बंद लंबाई देखें तो ये किसके बराबर होगी, कार्बन की परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या प्लस दूसरे कार्बन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या, और सहसंयोजक त्रिज्याओं के अपने पास मान है 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस 0.77 एंगस्ट्रॉम, अब इनकी बंद लंबाई का मान कितना आ जाएगा, टेंशन फॉर 1.54 एंगस्ट्रॉम। यह क्या होगी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य की बंद लंबाई। अब वापस देखें क्लोरीन क्लोरीन परमाणु के मध्य की, क्लोरीन क्लोरीन परमाणु की बंद लंबाई या के मध्य बंद लंबाई सेम उसी प्रकार क्लोरीन के एक परमाणु की कितनी है, Cl बॉन्ड Cl देखनी है अपन को बंद लंबाई, तो इस एक परमाणु की कितनी है 0.99 एंगस्ट्रॉम प्लस दूसरे क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है 0.99 एंगस्ट्रॉम। इनको काउंट करें तो अब इनकी बंद लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों को काउंट किया तो 1.98 एंगस्ट्रॉम आएगी। इसी प्रकार अब देखें अपन कार्बन और क्लोरीन परमाणु के मध्य की बंद लंबाई, के मध्य बंद लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या था, डी कार्बन बॉन्ड क्लोरीन इज इक्वल टू कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या प्लस क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या। अब दो परमाणु है अपने पास, एक कार्बन है एक क्लोरीन है, दोनों की सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान अलग अलग दे रखे हैं अपन को, तो कार्बन है उसकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान कितना अपने पास
0.77 एंगस्ट्रॉम, और जो क्लोरीन परमाणु है उसकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान कितना है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब पॉलिंग के अनुसार उसी सूत्र के अनुसार मान रखे हैं अपन, तो जो क्लोरीन कार्बन परमाणु है उसकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान कितना है 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या का मान दे रखा है 0.99 एंगस्ट्रॉम होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। इनको जोड़ लें तो इसकी बंद लंबाई का मान आएगा अपने पास 1.76 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, बंद लंबाई या बॉन्ड एंगल। को प्रभावित करने वाले कारक बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है परमाणु का आकार या साइज ऑफ एटम, क्योंकि एटम की साइज बढ़ेगी तो एटम की साइज बढ़ेगी तो इनकी जो सहसंयोजक त्रिज्या है उनका मान भी बढ़ेगा, और सहसंयोजक त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो बंद लंबाई का भी मान बढ़ेगा। जैसे कि अपने पास कोई एटम है जिनकी परमाणु त्रिज्या कम है तो उनके मध्य की बंद लंबाई भी कम होगी। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इनका आकार भी बड़ा होगा, शेप बड़ा होगा, और शेप बड़ा होगा तो इन दोनों के मध्य की यह जो दूरी है यह भी ज़्यादा होगी, इससे तो बंद लंबाई का मान भी ज़्यादा होगा। मतलब परमाणु का आकार भी किसको प्रभावित करता है, बंद लंबाई को। मतलब बंद लंबाई इज प्रोपोर्शनल टू परमाणु का आकार। अपना फर्स्ट यही है, कौन प्रभावित करता है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो बंद की लंबाई भी बढ़ेगी। जैसे कार्बन बॉन्ड कार्बन है, इससे ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन बॉन्ड सिलिकॉन की बंद लंबाई ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा जर्मेनियम बॉन्ड जर्मेनियम की, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंद की लंबाई बढ़ेगी। बंद लंबाई को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक तो हो गया अपना परमाणु का आकार। अब दूसरा कारक है अपना विद्युत ऋणता, परमाणु की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे प्रभावित करती है, जब हम ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणता के मान में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में क्या आती है, कमी आती है, और इसके साथ साथ में परमाणु का आकार होता है, साइज होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु की साइज बढ़ेगी तो बंद लंबाई या बॉन्ड लेंथ ये भी बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बढ़ने पर बंद लंबाई घटती है। तो इसको लिखें, विद्युत ऋणता के मान बढ़ने पर बंद लंबाई घटती है। अर्थात विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंद लंबाई। जैसे कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ का मान कम होगा किससे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से, और इससे ज़्यादा होगा कार्बन ब्रोमीन, इससे ज़्यादा होगा कार्बन आयोडीन बॉन्ड के मान। अब अपना तीसरा कारक देखें तो पहला हो गया परमाणु का आकार या परमाणु की साइज, दूसरा हो गया विद्युत ऋणता, अब तीसरा है अपना संकरण का प्रकार, थर्ड है प्रभावित करने वाला कारक, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रकार। संकरण का प्रकार कैसे प्रभावित करता है कि जिस परमाणु में जितने एस प्रतिशत या एस के गुणों के प्रतिशत ज़्यादा होंगे उतने ही उसकी बंद लंबाई कम होगी। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य दोनों कार्बन sp3 संकृत हो, या दोनों कार्बन sp2 संकृत हो, या क्या हो सकता है दोनों कार्बन sp संकृत होंगे। तो इनमें देखा जाए तो s प्रतिशत कितने हैं, प्रतिशत s 75, और P के प्रतिशत कितने हैं 75%, P के 3 है और S का 1 है, 25-75 रेशियो हो गया। इसी प्रकार sp2 संकरण के लिए देखें तो S के 33% मान लो और P के 67%। यहाँ पे देखें वापस कार्बन कार्बन के मध्य अगर sp संकरण हो तो sp संकरण होगा तो प्रतिशत S लक्षण या गुण कितने होंगे अपने पास 50%, और प्रतिशत पी लक्षण या गुण होंगे वो भी 50% होंगे। अब बात आती है कैसे होंगे, क्योंकि एस एक है और पी भी एक है यानी दो है, एस और पी दोनों का प्रतिशत कितना है 100 मान लो। अब एक एस का है एक पी का ऑर्बिटल है, दोनों में sp संकरण है, तो अब एक s का और एक p का दोनों का आधा आधा होगा, तो इसमें एक का ज्ञात करें तो इसमें दो का भाग लगा दो, आ गया 50%। अब इसमें देखें कि जो प्रतिशत s लक्षण है उसके आधार पे बंद लंबाई sp3 संकरण वाले कक्षकों की ज़्यादा होगी, किससे sp2 और sp से, और sp2 वालों की sp संकरण से ज़्यादा होगी। इसका रीज़न यही है कि जो s प्रतिशत s लक्षण है वो बढ़ते हैं तो बंद लंबाई का मान कम होता है। प्रतिशत s लक्षण इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 बंद लंबाई। या फिर इसमें देखें
प्रतिशत पी लक्षण इज प्रोपोर्शनल टू बंद लंबाई, मतलब अगर पी के परसेंटेज बढ़ेंगे तो बंद लंबाई का मान भी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ देखें पी का 75 है और किससे ज़्यादा है, एसपी के पी के परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, मतलब पी का मान बढ़ा है तो बंद लंबाई का मान भी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप है अपना फोर्थ कारक है जो प्रभावित करता है, वो है लोन पेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर इनके मध्य रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है, वो किससे ज्यादा होता है प्रतिकर्षण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो किससे ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होगा उनमें सबसे कम प्रतिकर्षण होगा और सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर में। इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। इन तीनों हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है युग्मित, तो इनके पास कोई युग्मित या लोन पेयर नहीं है जो नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं। दूसरी तरफ देखें NF3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है जो फ्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड पेयर बनाते हैं। इसके साथ ही फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, कितने, 3 लोन पेयर है। अब जो फ्लोरीन के लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या करेंगे, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण करेंगे तो जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, यानी लोन पेयर किसके, लोन पेयर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। फिफ्थ कारक है अपना बॉन्ड ऑर्डर। मतलब या तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है उनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इन बॉन्ड की उपस्थिति के आधार पर इनमें जो बॉन्ड लेंथ है उनका क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की, उससे कम डबल बॉन्ड की और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या एसिटिलीन में कितना होता है लगभग बॉन्ड लेंथ, 120 पिकोमीटर। और इसके लिए देखें तो एथिलीन के लिए देखें तो एथिलीन के लिए होगी 133 पिकोमीटर।
और एथेन के लिए देखें तो एथेन के लिए होगी ये 154 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब मैंने यहाँ माइनस 10 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पॉइंट दो अक्षर छोड़ के इधर लगा दिया मैंने, तो ये होगी माइनस 10 माइनस 12 से। जैसे कि देखें तो 33 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। इसको वापस चेंज करें, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 1.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ओके सर।